गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई YouTube यूट्यूब चैनल दिस इज़ आवर डेली न्यूजपेपर वीडियो सो आज है 16th ऑफ फेबररी तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूजपेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन एस से इम्पॉर्टेंट हैं और जिन आर्टिकल्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेल well, आज की हमारी वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड है वेल रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है अपने लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है यस, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन को वॉयलेट करती है ठीक है तो इस न्यूज़ को और डिटेल में जानेंगे क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में क्या क्या चीज़ों के ऊपर रेफरेंस दी है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हम समझेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे इकॉनमी प्रस्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में विच इज़ योर ट्रेड डेफिसिट देखिए जब हम इकॉनमी की बात करते हैं किसी भी कंट्री की तो वहाँ पे कितना एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है इससे समझा जाता है बाय दी यू नो आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द ट्रेड और यहाँ पे इंडिया के अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने अक्टूबर मंथ में देखा था कि रिकॉर्ड हाई हमारा ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया था लेकिन उसके बाद लगातार जो ट्रेड डेफिसिट था वो डिक्रीज हो रहा था जनवरी मंथ की बात करें तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो नाइन मंथ लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है अब हमारा ट्रेड डेफिसिट सेवेंटीन बिलियन डॉलर्स का है तो इसकी डिटेल्स को भी यहाँ पर देखेंगे उसके अलावा आज एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमने कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत की थी वी वो टॉकिंग अबाउट ई एफ टी एफ टी एफ टी एज़ बेसिकली दी यू नो दूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ठीक है और हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है ऐसे चार कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है उन कंट्रीज़ के साथ उनकी एक एसोसिएशन है फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिसे कहा जाता है ई एफ टी ए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और हम उनके साथ एक यू नो ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था वो उसकी निगोशिएशन चल रही थी और उसके अंदर एक चीज़ लीक आउट होती है रिसेंटली विच वाज रिलेटेड टू अ ड्यूरेशन क्लॉज स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन क्लॉज उसमें डाला गया था जिसका इम्पेक्ट हमारे इंडिया की जो जेनरिक ड्रग मेडिसिन का जो हमारी इंडस्ट्री है जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता एंड इसे लेकर हाँ ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि इंडिया ने ये एफ टी ए की जो डिमांड थी स्पेसिफिक क्लॉज को लेकर टाटा की एक्सक्लूसिविटी को लेकर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इशू इसकी बात करेंगे इसके अलावा रिसेंटली एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है विच इज़ रिलेटेड टू पल्सेस ठीक है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्सेस जिसे कहा जाता है ग्लोबल पल्स कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे इंडिया में किस तरह से पल्स प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है और किस तरह हम सेल्फ़ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और कब तक हम सेल्फ़ सफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं इसकी यहाँ पे बात हुई है ये देख लेंगे और लास्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी कतर विजिट पे थे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली हमने देखा कि जो हमारे इंडिया के एक्स नेवी ऑफिशल्स जो थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था कतर में लेकिन उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया और वो वापस इंडिया में आए एंड वो एक दौर ऐसा था जहाँ पे इंडिया और कतर के बीच में कुछ एक डिप्लोमेटिक टेंशन से बिल्डअप हो गई थी और अब उसके रिलीज़ के बाद ये विज़िट एक बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट थी तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे सो आर दी फ्यू आर्टिकल्स जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सो लेट्स बिगिन विद इट तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में ठीक है तो पहली चीज़ जिसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एज द से इज दैट सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी लैंडमार्क <clears> जजमेंट <throat> में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही में ये भी कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज़ आर्टिकल आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में भी देर इज़ क्लॉज ए और उसका सॉरी क्लॉज वन और उसका सब क्लॉज ए नाइनटीन वन ए ये आर्टिकल जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है राइट टू इंफॉर्मेसन ये हमारे इस राइट right को वायलेट करता है इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है इसी के साथ साथ इस स्कीम को लेकर आने के लिए कुछ एक्ट्स के अंदर भी अमेंडमेंट्स की गई थी जैसे कि हमारा कंपनी एक्ट है कंपनीज़ एक्ट इसे अमेंड किया गया था जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी इसके अलावा वी हैव इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इनमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे तो अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी अमेंडमेंट्स की गई थी कंपनीज़ एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ताकि ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो सके उन अमेंडमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है ठीक है और साथ ही में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम को अभी देखेंगे आ, लेकिन एक चीज़ और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इशू करता था उन्हें डायरेक्शन दी है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिला है इसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दी जाए बाय थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च इकतीस मार्च तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो कि एसबीआई बी इश्यू करता था कितनी फंडिंग आई है इसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दी जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन डिटेल्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेगा फॉर पब्लिक स्क्रूटनी ये कुछ मेजर पॉइंट्स अपने लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाउ यहाँ से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर स्कीम आखिर है क्या ठीक है तो देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में उन पोलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिल चाहिए ठीक है और ये फंडिंग उनको अनोनमस तरीके से हो मतलब किसने फंडिंग की उसका नाम चाहे वो कोई इंडिविजुअल है चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सामने ना आए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनोनिमसली डोनेशंस दी जा सके इसे इसको लेकर यू नो 2017 में हमारे पास एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया किया जाता है और इस फाइनेंस बिल के थ्रू 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है अब इस स्कीम में क्या किया गया कि चाहे कोई इंडिविजुअल है ठीक है या फिर कोई कॉरपोरेशन है कोई एंटिटी है ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करेंगे वो क्या परचेज़ करेंगे दे विल परचेज दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन इशू करेगा दिस विल बी इशूड बाय एसबीआई तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करेगा और इसके लिए भी सेट किया गया कि या तो एक हज़ार की डिनोमिनेशन में इशू होगा या फिर दस हज़ार की डिनोमिनेशन दी जाएगी या फिर एक लाख या फिर दस लाख एंड अप टू वन करोड़ ये बॉन्ड्स हैं मतलब हज़ार का बॉन्ड दस हज़ार का एक लाख का दस लाख का और एक करोड़ का इन बॉन्ड्स को कोई भी इंडिविजुअल या जो एंटिटी है वो एस से परचेज कर सकता है और उसे जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें डोनेट कर सकता है अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पे जिस पर्सन ने या जिस एंटिटी ने ये बॉन्ड खरीदा उनका नाम उस डोनर का जो नाम है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था कि ये किसी को पता नहीं चलेगा कि किस इंडिविजुअल ने किस एंटिटी को किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी है ठीक है सो so, ये एक ऐसा क्लॉज था जिसको लेकर क्वेश्चन रेज किए गए एंड पोलिटिकल पार्टीज़ दे हैड टू यू नो क्रिएट अस स्पेसिफिक अमाउंट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वेरीफाई करता है टू रिसीव दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे इवन ये क्लॉज भी था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके पास कम से कम जिन वन परसेंट से ज़्यादा की वोट्स जिनको पड़ी हो लास्ट जनरल इलेक्शंस में लास्ट जनरल इलेक्शंस में कम से कम एक परसेंट से ज़्यादा वोट्स जिनको मिली हो चाहे वो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट की लेजिस्टिव असेंबली की यू नो इलेक्शंस हो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरीके से इस मेथड के थ्रू जो पोलिटिकल फंडिंग है वो मिल पाएगी तो ये क्लॉज भी इम्पॉर्टेंट है कि नॉट लेस देन वन परसेंट ऑफ वोट्स और सिर्फ लोकसभा में नहीं लोकसभा के साथ साथ आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को डाला गया ठीक है जी तो ये सारी स्कीम आती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम पे ठीक है अब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया क्यों किया गया सबसे पहले आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे किस सोर्स से फंडिंग मिल रही है उसे हाइड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यार अगर हमें यही नहीं पता चल रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने फंडिंग की है हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज वन और सब क्लॉज ए के थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मिलता है ये तो उसको वोलेट कर रहा है ठीक है इससे तो बल्कि ब्लैक मनी का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है फॉरेन फंडिंग मिल सकती है अच्छा जो कारपोरेट्स हैं दे कैन इन दे हैव इन्फ्लुएंस यू नो ऐसी पार्टीज़ के अंदर अगर वो बड़े बड़े अमाउंट देंगे तो कारपोरेट जो पॉलिटिक्स को है वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा तो इससे हमारी कंट्री का जो पब्लिक इंटरेस्ट है जो हमारी सॉवरेनिटी है इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा और साथ ही में ये भी कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फंडामेंटल है इक्वालिटी ये उसको भी वॉलेट करता है बिकॉज इट इज़ यू नो डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पोलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द वोट शेयर कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि देखो जो रूलिंग पार्टी है दे विल गेट एन अनफेयर एडवांटेज और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको वो एडवांटेज नहीं मिलेगी उसके अलावा वन परसेंट का क्लॉज रख दिया गया तो इससे जो स्मॉलर और जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाती हैं तो इससे एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है इवन डोनर्स और वोटर्स के बीच में भी डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है जिन्होंने डोनेशंस की हैं और जो वोटर्स हैं तो इसीलिए लिए ये चीज़ को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया और फिर ये भी कहा गया कि हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि पॉलिटिक्स के अंदर हम करप्शन को कर्व कर सके हम क्रिमिनलाइजेशन को रोक सके लेकिन इस तरह की स्कीम से जहाँ पे यू नो हिडन नेम्स के थ्रू अनोनमसली डोनेशंस हो रही हैं इससे तो हमारा जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफ़ीट हो रहा है तो इराधा uh, ये कहा जा रहा था कि ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर आने के लिए लाया गया है लेकिन ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई यहाँ से हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो मेन जील है वो यहाँ पे डिफ़ीट होती है ठीक है बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि पोलिटिकल पार्टीज को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन और अपने एक्सपेंडिचर शो करने हैं लेकिन यहाँ पे एक यू नो ट्रांसपेरेंसी और डिस्कलोजर को कहीं ना कहीं हाइड किया जा रहा है बाय स्टेटिंग कि, कि किसने कौन से इंडिविजुअल्स कौन से कॉरपोरेट्स कितनी फंडिंग कर रहे हैं आपकी पोलिटिकल पार्टीज को ठीक है जी तो ये एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस जजमेंट इज़ वेरी हिस्टोरिक ये एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिटीजन के वैल्यूज़ और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड किया गया है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन किया गया है बिकॉज इट इज़ वॉलेटिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं आगे बढ़ते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ की जा रही है ठीक है अब सबसे पहले तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में भी कहा इस यूरोपियन फ्री ट्रेड में ईयू की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पेशली उन कंट्रीज़ की बात हो रही है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है जिसमें कि आ जाते हैं स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड आइसलैंड आइसलैंड नॉर्वे एंड लिश चेन स्पेन ये चार कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है और इन्होंने अपनी खुद की एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ठीक है अब देखिए आज इस नेगोशिएशन की शुरुआत नहीं हुई है इन चारों कंट्री के साथ हमारी जो, आ, ये जो यू नो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जो बात है ये 2008 से शुरू हुई थी जिसमें हम चाहते हैं कि ओके okay, इंडियन में इन्वेस्टमेंट बढ़े और हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगा हुआ जो टैरिफ है वो रिड्यूस हो सके लेकिन ये दोबारा न्यूज़ में क्यों आया है बिकॉज रिसेंटली इस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट जो है वो लीक हुआ एंड जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ ने यू नो अपना अटेंशन ग्रैप किया च इज़ योर स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज विच इज़ स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज अब यहाँ पर क्या है ध्यान से समझिए इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज में ये कहा गया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे विल नॉट रिलाई ऑन अनडिसक्लोज टेस्ट डाटा मतलब सपोज करो एक औरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसने एक ड्रग बनाया ठीक है और वो बहुत ही कॉस्टली प्राइसेस पे उसको बेच रहे हैं अब इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं हम उसका जेनरिक वर्जन बनाते हैं और उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे सेल करते हैं अब इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया उन्होंने ये क्लॉज डाला कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अनडिसलोज टेस्ट डाटा के ऊपर बेस नहीं करेंगी वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के डाटा को यूज़ नहीं करेंगी या तो उनको क्या करना पड़ेगा सिक्स ईयर्स का वेट करना पड़ेगा दे हैव टू वेट फॉर सिक्स ईयर्स ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन डाल दिया गया ठीक है सिक्स ईयर्स के बाद आपको मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा या फिर अगर आपको एक्सेस लेना है अभी तो कंट्री के रेगुलेटर से परमिशन लेनी होगी और इसके लिए आपको अपने खुद के डाटा को प्रजेंट करना होगा अब देखिए जो एक फार्मास्यूटिकल जो हमारी कंपनीज़ हैं उनके लिए इतना बड़ा डाटा कलेक्ट करना और पब्लिश करना और फिर उसके बाद यू नो परमिशन लेना ये जो प्रोसेस है ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है तो ये जो क्लॉज डाला गया कि आप औरिजिनल मैन्युफैक्चरर के क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा यूज़ नहीं करेंगे आपको छः साल के बाद यू नो अप्रूवल दिया जाएगा टू सेल दी जेनरिक ड्रग्स और ये जो कंडीशन है ये न्यू केमिकल ड्रग्स के ऊपर लगाई गई है और बायोलॉजिकल ड्रग्स के ऊपर भी लगाई गई है बायोलॉजिकल ड्रग्स का मतलब आपकी एंटीबॉडीज जो आ जाती हैं मोनोक्लोरल एंटीबॉडीज वैक्सीन इन सब के ऊपर भी अप्लाई किया गया है तो इसे लेकर आज के पेपर में इंपॉर्टेंट टर्म यूज की गई है विच इज डाटा एक्सक्लूसिविटी ठीक है अब देखो ध्यान से डाटा एक्सक्लूसिविटी बेसिकली एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है इसमें बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उनके डाटा की बात हो रही है मतलब ड्रग कितना सेफ है इसकी एफिशिएंसी क्या है ये सब ये जो डाटा था एक ड्रग को लेकर ये एक कंपनी का एक्सक्लूसिव बन गया अब वो डाटा कोई और यूज़ नहीं कर सकता तो इससे क्या होगा कि जो जेनरिक फर्म्स हैं जो पहले इन डाटा को यूज़ करके यू नो अपने पास यू नो अफोर्डेबल प्राइसेस पे ड्रग्स लेकर आती थी अब उनको यहाँ पे वेट करना होगा दे हैव टू डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक कंट्री लॉ जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि छः साल तक तो आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है जी तो यहाँ पे एक तरह से मोनोपोली आ रही है नो जेनेरिक ड्रग कैन बी अप्रूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एट एक्सक्लूसिविटी ठीक है जी तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही थी अब इसे लेकर क्लैरिफिकेशन ये आई है कि हमारे ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया ने एफ टी ए की जो डिमांड है डाटा एक्सक्लूसिव विजिटी की इसे रिजेक्ट कर दिया है हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे आज के न्यूज़पेपर का मूविंग अहेड पल्सिस को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है रिसेंटली एक ग्लोबल पल्सिस कॉन्फ्रेंस की गई एंड ये एक एनअल मीटिंग है जिसमें पल्सिस के प्रोड्यूसर्स प्रोसेसर्स ट्रेडर्स ये सब यहाँ पर आते हैं और इन सब ने सजेस्ट किया कि इंडिया को पल्सेस की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा बिकॉज पल्सेस से इंडिया की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हम वो भी पूरा कर सकते हैं और इसी लेकर सेंटर ने कहा कि यस, गवर्नमेंट वो सभी स्टेप्स ले रही है जिससे कि इंडिया में पल्सेस की कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सके हम एमएसपी भी यहाँ पे रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि जो फार्मर्स हैं वो प्रमोट हो टुवर्ड्स द पल्सेस ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि ये जो ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस है इसे ऑर्गेनाइज़ कौन करता है तो हमारा नाफेड ठीक है नाफेड विच इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही में ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन ये मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं अब यहाँ पे इवन ये भी कहा गया कि लास्ट डिकेड की अगर बात किया जाए तो इंडिया में सिक्सटी परसेंट पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है और ये कहा गया कि 2014 में इंडिया में 171 सेवेंटी वन लैख टन पल्सेस प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 270 लाख टन हो चुके हैं ठीक है जी अब यहाँ पे आप देखिए इवन ये भी कहा गया कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो चुका है बहुत सारी यू नो पल्स में वी हैव हाँ बिकम सेल्फ रिलायंट जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें चना चना की चिक पीस जो है वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं हमारी डिमांड पूरी हो जाती है एंड इवन मैनी अदर पल्सिस चना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले एक टाइम पर हम इसे इम्पोर्ट करते थे बिकॉज हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन आज भी हमारी जो तूर दाल है जिसे पिजन पीस कहा जाता है और जो ब्लैक ग्राम है इनमें अभी भी थोड़ी डेफिशेंसी है लेकिन इसके ऊपर काम किया जा रहा है और ये एम किया जा रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक इंडिया पल्सेस में कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट हो जाएगा ठीक है जी अब देखिए pulses इज़ अ सुपर फूड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अलॉन्ग विद डैट इंडिया इज़ दी लार्जस्ट कंज्यूमर ऑफ pulses एज वेल ठीक है और ये सुपर फूड इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं साथ ही में ये ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस कर सकता है और इवन इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे एरिड कंडीशंस हैं मिनिमल वाटर है उन एरियाज़ में भी ये इजीली कल्टीवेट की जा सकती हैं ठीक है जी तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमिक जोग्राफी प्रस्पेक्टिव से है फिर इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम ट्रेड डिफिसिट की डिस्कशन करेंगे ट्रेड डिफिसिट जो कि बेसिकली क्या शो करता है ट्रेड डेफिसिट वो कंडीशन है अगर आपने यही बोल दिया कि क्या चल रहा है ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इसका मतलब कंट्री के इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट पहली बात तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ़ योर करंट अकाउंट डेफिसिट लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में हम जब देखते हैं कि हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट तो तब जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट अब अपडेट हमारे पास ये है कि हमारा अक्टूबर मंथ में आप अगर करंट अफेयर वीडियोस फॉलो कर रहे हैं हमने तब भी बात की थी अक्टूबर मंथ में हमने रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट देख लिया था विच वॉज़ ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स लेकिन उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा था और अगर आज हम जनवरी की बात करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 17.5 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है और ये यू नो नाइन मंथ लो है पिछले नाइन मंथ में सबसे लोएस्ट ट्रेड डेफिसिट जनवरी मंथ में रिकॉर्ड किया गया है डेफ़िनेटली अगर डेफिसिट घटा है इसका मतलब एक्सपोर्ट जो है वो राइज हुआ है गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार पिछले दो महीनों से राइज़ कर रहा है और कंपेरिटिवली हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं एक्सपोर्ट uh, में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है हालाँकि अभी जो रेड सी क्राइसिस चल रहा था लग रहा था कि उससे इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन uh, हमने उसे उस वेव को सर्वाइव किया और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ और इम्पोर्ट जो है वो डिक्रीज़ हुआ जिससे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी डिक्लाइन हुआ है आगे बढ़ते हैं लास्ट आज का हमारा आर्टिकल इंडिया और कतर के बारे में है ठीक है बहुत देर से हम बात कर रहे हैं इसकी लगभग पिछले साल नवंबर दिसंबर से ये इशू न्यूज़ में आया था जब कतर के अंदर आ, नो, ने, इंडियन नेवीज के पर्सोनल को एक्स पर्सोनल को डेथ सेंटेंस दिया गया था ठीक है एंड तब से ही हम लगातार आर्टिकल्स देख रहे थे कि यस एक बड़ा सावरनेस इसके ज़रिए आ सकता है इंडिया और कतर के रिलेशंस में लेकिन अपडेट फिर ये आया कि नहीं जो टॉप कोर्ट है कतर की उन्होंने इसको इस डेथ सेंटेंस को यू you नो know, रूल आउट कर दिया डिक्लाइन कर दिया और जिसके बाद अभी हमने देखा कि जो एक्स ऑफिशियल नेवी परसोनल्स हैं उनको रिलीज़ भी किया गया जिसके बाद पीएम मोदी अपनी विजिट पे गए कतर की तरफ और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि इंडिया और कतर के बीच में ये एक न्यू विगर शुरू हुआ है हमारे रिलेशंस का और हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ ऑफ सेक्टर में हमारी कॉपरेशन जो है वो बढ़े हमारा ट्रेड बढ़े हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हम टेक्नोलॉजी के यू you नो know, एरिया में कॉपरेट करें हम हम कल्चरल uh, के यू you नो know, कल्चरल कोऑपरेशन की तरफ ध्यान दें एंड uh, ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीच uh, वहाँ से आई और साथ ही में इंडियन मोदी ने कतर के जो वहाँ पे शेख तामीम बिन हैं उनको भी इनवाइट किया कि आप इंडिया आएँ आप इंडिया आकर विज़िट करें ठीक है अब देखिए कतर इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है हालांकि जो मर्जी डिस्प्यूट चल रहा था डिप्लोमेटिकली लेकिन तब भी दोनों ही साइड्स ने एक डील भी साइन कर ली थी विच वाज ऑफ 78 बिलियन डॉलर्स जिससे कि कतर से जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो इंडिया पहुंच पाएगी तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में कतर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल uh, है और uh, अब जो रिलेशंस हैं वो दोबारा uh, जो है वो बरहाल हो चुके हैं सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू